हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और यूरोप एक कॉन्टिनेंट अब एक सिंगल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप बनने जा रहा है, और ऐसा होते ही वो यूएस, चाइना और रशिया से भी ज्यादा पावरफुल देश बन जाएगा। और इसीलिए पूरे यूरोप को एक करने की जिम्मेदारी जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने उठाई है। रिसेंटली उन्होंने पूरे यूरोपियन काउंसिल के सामने एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कुछ मेजर बातें कही। पहली ये कि ईयू को मेजर वोटिंग में से वीटो वोट्स हटाकर मेजॉरिटी वोटिंग को अपनाना चाहिए, ताकि मेजर इशू जल्दी से टैकल हो। और दूसरी मेजर बात, ईयू को अपने मेंबर्स बढ़ाने होंगे ताकि यूनियन की पावर और भी ज्यादा बढ़े। इसके अलावा उन्होंने सेल्फ रिलायंट ईयू और ईयू की वैल्यूज पर भी काफी एम्फसाइज किया। लेकिन इन सभी मुद्दों के मुकाबले उन्होंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी ईयू के डिफेंस बजट को बढ़ाने को लेकर, क्योंकि आज ईयू के सामने बहुत बड़े बड़े थ्रेट्स खड़े, जैसे कि सबसे पहला है टर्की। हाल ही में टर्की देश ने ग्रीस को यह धमकी दी कि वो सही समय पर वो करेंगे जो उन्हें करना चाहिए, रातों रात बिना किसी को खबर पड़े। और ये लाइंस इतने ज्यादा थ्रेटनिंग इसीलिए है क्योंकि एक बार पहले भी टर्की ने जब ग्रीस को ऐसी धमकी दी थी, एक जंग छिड़ गई थी जिससे ग्रीस को काफी बड़ा नुकसान हुआ था। पर बात कुछ ऐसी है कि टर्की और यू मेंबर ग्रीस का सालों से टग ऑफ वॉर चल रहा है साइप्रस के ऊपर। अब साइप्रस का हाल कुछ ऐसा है कि उसका आधा हिस्सा टर्की के कंट्रोल में है और आधा ग्रीस के। एंड ऑब्वियसली ईयू ग्रीस के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, इसीलिए वो साइप्रस में टर्की के एडमिनिस्ट्रेशन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। और इसीलिए अब ग्रीस वर्सेस टर्की बन चुका है ईयू वर्सेस टर्की। अब फॉर योर इन्फॉर्मेशन, टर्की नेटो का भी मेंबर है, एंड प्लस एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत उस पर सीरिया से यूरोप आ रहे रेफ्यूजीज को रोकने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी। एंड नाउ एज यू मस्ट हैव गेस्ड, टर्की ईयू पर इतना भड़क गया था कि वो क्लियर कट नॉन कोऑपरेशन में उतर आया, और उसने ये कह दिया कि वो ईयू में आने वाले रेफ्यूजीज को अब नहीं रोकेगा। इतना सब कम था कि टर्की ने अपने इन्फ्लुएंस से फिनलैंड और स्वीडन जैसे ईयू नेशंस को नेटो ज्वाइन करने से भी रोक लिया, और स्वीडन को तो टेररिस्ट बनाने की फैक्ट्री तक कह दिया। और इसीलिए फ्रेंड्स, ये मुद्दे ज्यादा नहीं उठते और इतना ज्यादा पॉपुलराइज नहीं किया जाता, बट टर्की इज अ बिग थ्रेट टू यूरोप। टर्की के अलावा दूसरी तरफ सऊदी भी ईयू के लिए एक मेजर थ्रेट बन चुका है। रीजन, यस यू गेस्ड इट राइट, सऊदी की रशिया से बढ़ती फ्रेंडशिप। यूक्रेन रशिया वॉर में सऊदी ने 2 मिलियन बैरल्स पर डे से ऑयल प्रोडक्शन को कम करके रशिया को इनडायरेक्टली मदद किया। अब इस मूव से हुआ ये कि ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, जिससे सस्ते रशियन ऑयल की डिमांड सैंक्शंस लगने के बाद भी काफी बढ़ गई, और सऊदी ने तो रशिया में इन्वेस्टमेंट्स भी करना शुरू कर दिया, जिसके तहत उन्होंने हाल ही में $600 मिलियन रशियन एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। अब वेस्टर्न कंट्रीज तो एनीवे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से काफी नाराज थे, क्योंकि उन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने सऊदी से भागा हुआ क्रिटिक जर्नलिस्ट जमाल खशोगी को गायब करवाकर मरवा डाला, क्योंकि खशोगी को आखिरी बार टर्की में मौजूद सऊदी एम्बेसी के अंदर जाते हुए देखा गया था, जहां से वो कभी बाहर ही नहीं आया। और बस यही वो घटना थी जिसकी वजह से वेस्ट ने सऊदी से दूरियां बनानी शुरू कर दी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर, आज उन्हें ये महंगा पड़ रहा है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान तो आज यूरोप को एज ए एलाय नहीं बल्कि एक कॉम्पिटिशन की तरह देखते हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि वो मिडिल ईस्ट को नया यूरोप बनाएंगे। इन दोनों के अलावा चाइना, यूएस और रशिया भी ईयू के लिए एक मेजर खतरा बन चुका है, जिसका एक रीसेंट एग्जांपल हमने यूक्रेन रशिया वॉर में ही देख लिया। ईयू इस बात से डरा हुआ है कि यूक्रेन की जगह पे पोलैंड या लैटविया भी हो सकता था, तब वो क्या करते। इनफैक्ट रशिया ने उन्हें ऑलरेडी हार्म करना शुरू भी कर दिया है, जैसे कि रिसेंटली उसने पोलैंड पर मिसाइल लॉन्च किया था जिसमें 2 पोलिश लोगों की इंस्टेंटली डेथ हो गई थी। इतना ही नहीं, सारी बाल्टिक कंट्रीज काफी डरी हुई है क्योंकि उनके वहां पर मिलियंस ऑफ एथनिक रशियंस रहते हैं, और रशिया ने तो ये क्लियरली कह दिया है कि हम यूक्रेन पर हमला वहां रह रहे रशियंस को बचाने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा बेलारूसियन पीएम ने यूक्रेन इन्वेजन मैप को डिस्कस करते वक्त मोल्डोवा का भी नाम जोड़ दिया, जिसमें वो इन्वेजन की बात कर रहे हैं। इस सबसे मोल्डोवा भी डरा हुआ है, और ऐसे ही कई थ्रेट्स की वजह से जर्मनी एक यूनाइटेड यूरोप पर जोर डाल रहा है कि हमें यूनाइट होना पड़ेगा वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। माइंड यू, ईयू की सारी कंट्रीज ये नहीं चाहती, कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जो अकेले रहना ही पसंद कर रही है, कंट्रीज जैसे कि हंगरी और पोलैंड, क्योंकि चांसलर ओलाफ के ईयू में मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स की वजह से छोटी कंट्रीज के साइडलाइन होने के काफी हाई चांसेस हैं। और इसीलिए इस प्रपोजल का साफ साफ विरोध करके पोलिश पीएम ने ओलाफ को हिटलर से कंपेयर कर दिया। बेसिकली हिटलर के टाइम की नाजी जर्मनी को थर्ड रेज कहते थे, और पोलिश पीएम ने ये कहा कि ओलाफ अब जर्मनीज फोर्थ रेज बनने की कोशिश कर रहा है, जिससे उनका मतलब था नाज़िज़्म पुनर्जीवित हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के आइडिया की निंदा करते हुए उन्होंने ये कहा that it is to some extent or it was a paper tiger
उन्होंने ये भी कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप कुछ और नहीं बस एक डेंजरस ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलिज्म होगा। वेल, देखा जाए तो पोलैंड यू में एक तरह से ब्लैकलिस्टेड रहा है। पोलैंड में एक अल्ट्रा नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट है जिसने नेशनल इंटरेस्ट को यू के इंटरेस्ट से ज्यादा महत्व दिया है, और इसीलिए तो 2015 में हुए रेफ्यूजी क्राइसिस के दौरान पोलैंड ने रेफ्यूजीज लेने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इस पर सवाल उठने पर एक पोलिश एमपी ने ये तक कह दिया कि हम मल्टीकल्चरलिज्म या बहुसंस्कृतिवाद की वैल्यू को ही नहीं मानते और इसीलिए हम रेफ्यूजीज को नहीं लेना चाहते। और फिर उन्होंने एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन पास किया जिसमें अगर वहां के किसी जज ने गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स पर सवाल भी उठाया तो उन्हें उसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस जैसे कि फाइंस, डिमोटेशन और यहां तक कि पोजीशन से फायर भी किया जा सकता है। नाउ ऑब्वियसली ये सभी चीजें ईयू के वैल्यूज के अगेंस्ट जाती है। ये जुडिशियल लॉ की वजह से तो उसे हर रोज 1 मिलियन यूरो का फाइन तक भरना पड़ रहा है, और ऐसे ही अनगिनत सैंक्शंस तो हंगरी पर भी लगे हुए हैं। उसके ऑफेंसेस, वेल, उसने एंटी एलजीबीटी लॉ को पास किया जिसमें ऐसे किसी भी कंटेंट को बैन कर दिया जा रहा है जो होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करता हो। एंड जस्ट लाइक पोलैंड, हंगरी ने भी एक ऐसा लॉ पास किया जिससे प्रेस को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने पर रोक लगा दी गई है, प्लस इमिग्रेशन पर भी लॉ स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। सो अब हंगरी में किसी भी असाइलम सीकर की मदद करना इज अ क्राइम, और इसीलिए मेजरली ये दो कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप के एब्सोल्युटली खिलाफ है। बट लेट मी टेल यू, जर्मनी जिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप बनने की डायरेक्शन में बढ़ रहा है वो आइडिया सबसे पहले एक फेमस फ्रेंच राइटर पॉलिटिशियन विक्टर ह्यूगो ने दिया था। उनके विजन के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप एक टाइटली इंटीग्रेटेड ग्रुप ऑफ नेशंस होगा जिसकी स्थापना पीस, ओपन ट्रेड और शेयर्ड आइडियाज के बेसिस पर होगी। ह्यूगो यूएसए को लेकर इतना होपफुल था कि उन्होंने एक सिंबॉलिक ट्री भी प्लांट किया था और ये कहा था कि जब ये ट्री बड़ा होगा तब तक यूएसए एक हो जाएगा, और वो ट्री आज भी ब्रिटिश टेरिटरी ग्यूएनसे के मायोनडे हाउटविल गार्डन में ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट, यूके के पीएम विंस्टन चर्चिल ने भी यूएसए की बात की थी। We must build a kind of United States of Europe. उनका मानना था कि यूरोप अगर एक साथ आ जाए तो यहाँ लोग ज्यादा फ्री, ज्यादा रिच और ज्यादा खुश हो जाएंगे। इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड वॉर टू के बाद तो यूरोप मोस्टली दो पार्ट्स में बट गया था, एक यूनियनिस्ट और एक फेडरलिस्ट। फेडरलिस्ट एक कंप्लीट इंटीग्रेशन चाहते थे विद अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, और यूनियनिस्ट चाहते थे कि बैरियर्स कम हो, ट्रैवल और ट्रेड अनरिस्ट्रिक्टेड हो। वेल, ईयू काफी एक्सटेंड तक आज की तारीख में यूनियनिस्ट के गोल्स का एक मैनिफेस्टेशन ही है, लेकिन इसकी शुरुआत तो अलग ही रीजन की वजह से हुई। सबसे पहले EU नहीं था, इट वॉज नोन एज यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। बात यह है ना, वर्ल्ड वॉर टू जस्ट खत्म ही हुआ था और वॉर के वजह से यूरोप को बहुत डैमेज सहना पड़ा था। यूरोपियन कंट्रीज वर डिटरमिन्ड कि आगे वॉर ना हो, और इसके लिए सबसे पहले तो वेपन्स के मैन्युफैक्चरिंग्स पर ही कंट्रोल लगाना पड़ेगा। एंड वेपन्स, टैंक्स, राइफल्स किससे बनता है? कोल एंड स्टील। बस फिर क्या था, कोल और आयरन को कॉमन कंट्रोल में ला दिया गया ताकि कोई कंट्री इसमें सेल्फ सफिशियंट ना बन पाए। तो इस तरह हुई थी स्थापना ईयू की। लेकिन अब ईयू से एक स्टेप आगे बढ़कर यूएसए के आइडिया को वापस लाने के पीछे जर्मनी की न्यू गवर्नमेंट लग चुकी है। जर्मनी के नए सरकार में तीन पार्टीज है, सोशल डेमोक्रेट्स एसडीपी, द ग्रीन्स और फ्री डेमोक्रेट्स पार्टी एफडीपी। ये तीनों की कोएलिशन गवर्नमेंट है और इन तीनों पार्टीज का एक ही एम है, अ यूनाइटेड यूरोप। इनफैक्ट इस गवर्नमेंट के पहले ही दिन फॉरेन मिनिस्टर को यूरोप के डिप्लोमेटिक टूर पर भेज दिया गया था। इस मूव के बाद से जर्मनी की करंट गवर्नमेंट को अब तक की सबसे प्रो यूरोप गवर्नमेंट कह दिया गया है। जर्मन चांसलर ने यह भी कई बार कहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का मेन फोकस है यूरोप की सॉवरेनिटी। एंड माइंड यू, ओवर हियर उन्होंने जर्मनी की सॉवरेनिटी की कोई बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि यूरोप सॉवरेन होना चाहिए। एंड एक्चुअली इस सरकार के आते ही जर्मनी के पॉलिसीज में काफी बदलाव आए, और सबसे मेजर चेंज है जर्मनी का पैसिफिज्म छोड़ के मिलिटरिज्म अपनाना। अब देखो, वर्ल्ड वॉर टू के बाद से ही जर्मनी ने अपने आप को नाजी पास से दूर करने की बहुत कोशिश की, और इसीलिए उसने ना तो अपनी मिलिट्री बढ़ाई, इनफैक्ट जापान की तरह उसने सिर्फ डिफेंस के लिए ही एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड मिलिट्री रखी। बट रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि जर्मनी ने किसी वॉर में अपने वेपन्स भिजवाए, एंड प्लस जर्मनी ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाने का भी एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन लिया। पर सरप्राइजिंगली ये डिसीजन ओलाफ ने बिना किसी और को कंसल्ट करके लिया था, लेकिन फिर भी जर्मनी की मेजॉरिटी, जनता ने भी इस डिसीजन को अप्रूव किया। वेल, 2011 में भी पूरे यूरोप में एक सर्वे हुआ था जिसमें पूछा गया था कि किस किस को यूएसए चाहिए, एंड कॉन्फिडेंटली इसमें सबसे ज्यादा यस वोट करने वाले जर्मन्स ही थे। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि क्या ईयू के कंट्रीज को अपनी सोवेरेनिटी कॉम्प्रोमाइज करके यूरोप में सम्मिलित होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? वेल,
यूल बी शॉक टू नो कि अगर यूरोप एक कंट्री बन गया तो वो ऑटोमेटिकली दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि इसका जीडीपी हो जाएगा 24 trillion US dollars, जो कि यूएसए भी से भी ज्यादा है। पॉपुलेशन वाइज ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगा और उसकी कंबाइंड मिलिट्री दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री हो जाएगी, पीरियड। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर मेन सवाल जो खड़ा होता है कि इतने सारे कंट्रीज को डिसॉल्व करके एक सिंगल गवर्नमेंट पूरे कॉन्टिनेंट को कैसे मैनेज कर पाएगी और कैसे उन सारे कंट्रीज का भला सोच पाएगी। वेल, इसके लिए तो आई वुड जस्ट से, अगर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान एक कंट्री को मैनेज कर सकती है तो शायद ये लोग भी कर ही ले। आपको क्या लगता है? एंड स्पीकिंग अबाउट तालिबान, तालिबान के आने से अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ है? वहां पे इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर हालत बद से बदतर हो गई है? इस पर मैंने ऑलरेडी अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया, बिल्कुल चेकआउट करना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्लिक ओवर हियर। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना, कैसे फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।